हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा बिगिनर्स के लिए, राइट जिसमें हम बिना किसी यू नो की इंडिकेटर्स या बिना किसी टूल्स के सहायता से, राइट हम यहां पे निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने का तरीका बताएंगे, और वो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। राइट, हमारा जो मेथड होगा वो टोटली मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड होगा, और इसी के बिहाफ पे हम यहाँ पे निफ्टी में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखेंगे। राइट, इस वीडियोस का फ्रेंड्स मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये जो चीज है ये केवल निफ्टी में वर्क करेगा। राइट, अभी के तौर पे जो आज डिस्कस किया जाएगा वो निफ्टी पे ही वर्क करेगा। राइट, और इस वीडियोस का, आज के वीडियो का जो हमारा टारगेट है फ्रेंड्स लाइक्स का, वो है 300 लाइक्स का टारगेट है दोस्तों। अगर ये 300 लाइक्स जो है मिलते हैं, राइट, तो इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि ये पॉजिटिव वे में जा रहा है, और नेक्स्ट वीक में हम बैंक निफ्टी पे बात करेंगे, जिसपे हम कैसे कैलकुलेशन, उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन को लागू कर सकते हैं। राइट, उसका एकदम अलग ही मेथड होएगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन वो भी होएगा, लेकिन सेम सिनेरियोस पे नहीं हो सकता वहां पे। राइट, तो यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे हम यहाँ पे जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन का एक बार फॉर्मूलाज देख लेते हैं, कैसे हम यहाँ पे पुट करेंगे चीजों को। राइट, तो आप समझ लीजिएगा हमें यहाँ पे पावर्स चाहिए होगा, और पावर का मतलब आप यहाँ पे समझते हैं, पावर का मतलब होता है, राइट, यहाँ पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, कोई नंबर से मान लीजिए 1 है, तो इसका पावर दिस 1, राइट, ये हो जाता है। तो यहाँ पे जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो फाइंड किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, तो वीडियोस को अंत तक देखिएगा जिससे आप एक एक चीज प्रॉपर वे में समझ जाइएगा। राइट, बिगिनर्स के लिए रामबाण साबित होगा ये, ठीक है, मेरा ऐसा मानना है दोस्तों। राइट, तो आप इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, और आपको अगर कोई डाउट होता है कि नहीं ये मेरे से नहीं हो पा रहा है, या जो भी आपको डाउट्स होगा कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में ही मेल मिल जाएगा, ईमेल आईडी, आप ईमेल पे डायरेक्टली मेल कर लीजिएगा। अगर मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट ना देख पाया या फिर कुछ ना ही आपको रिस्पॉन्स कर पाए, तो मेरा आपको यही सुझाव होगा कि आप एक बार मुझे मेल जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आते हैं सीधे टॉपिक की तरफ कि क्या यहाँ पे हमें करना होगा। दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्मूला। राइट, कि हमें यहाँ पे ऑड नंबर, एक इंपॉर्टेंट लेवल्स का ऑड नंबर है यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट लेवल का ऑड नंबर क्या है तो वो मैं बता देता हूँ आपको। जिस नंबर का चूज जो आप करोगे, वो हमारा जो नंबर है वो 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस 1, ये फॉर्मूला है यहाँ पे। राइट, 4 का स्क्वायर मतलब, राइट, 4 का स्क्वायर प्लस 1, तो आप समझ सकते हो 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, और प्लस 1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 17। राइट, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और प्लस 1 जो हो जाएगा, टोटली जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 17। राइट, तो आप समझ सकते हैं ये एक ऑड नंबर है। राइट, और इसी ऑड नंबर्स की हेल्प से हम निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देंगे। अब आप सोचेंगे ये कैसे पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी जो ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन कोई बहुत यू नो कि लग रहा होगा कि ये बहुत इजी है, राइट, लेकिन एक चीज समझ लीजिएगा, हर एक चीज के पीछे, हर एक यू नो कि कैलकुलेशन के पीछे लॉजिक होता है। विदाउट लॉजिक इस पूरे दुनिया में कुछ भी नहीं है, पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं है विदाउट लॉजिक। राइट, तो हर एक चीज के पीछे लॉजिक होता है, हमेशा लॉजिक समझिएगा। इसका लॉजिक यही है कि हमें एक ऑड नंबर चाहिए, और इंपॉर्टेंट लेवल जो चाहिए उसका जो हमने कैलकुलेट किया ये नंबर्स, राइट, ये जो 4 है, 4 का स्क्वायर किया प्लस 1 किया, हमें चाहिए 4 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, यहाँ पे हो गया 17। अब एक चीज और समझ जाइएगा आप, अगर आप इसको जोड़ेंगे 7 और 8 1 को, तो ये हो जाएगा 8। अब ये जो 8 है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। खैर, इतना डेप्थ में मैं आपको नहीं लेके जाऊंगा, कारण ये है कि आप पहले केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, कैसे ड्रॉ करेंगे। राइट, आफ्टर दैट आपको जब भी यू नो कि जब चीजें आप समझ जाइएगा, तो धीरे 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 बिगनर्स, अगर आप जैसे स्टार्टिंग पोजिशन पे है, इनिशियल पॉइंट पे है, तो वहां से धीरे 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 आप बढ़त कर पाइएगा। राइट,
तो यहाँ पे हम चलते हैं सीधे जो है स्क्रीन पे, और जो है वहां से हम देखेंगे कि कैसे जो है अपने को ड्रॉ करना है ये चीजों को, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट्स पे, एंड यहाँ पे जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया, राइट, 4 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 17, राइट, ये फॉर्मूला है। आप इस पे एक्सेल सीट बना सकते हो, या फिर आप चाहो तो यू नो कि केवल कैलकुलेटर की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। तो कैसे करना है ये जो है ध्यान दीजिए। तो आपका जो ये टाइम फ्रेम होगा, ये जो आप टाइम फ्रेम देख रहे हो फ्रेंड्स, दिस वन, राइट, यहाँ पे जो होगा ये 15 मिनट्स का होना चाहिए, राइट। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम का होने के बाद तो मैं आपको पिछले 10 दिन के डाटा को, राइट, मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे, देखिए मैं इससे आपको क्या बेनिफिट होगा पहले मैं ये बता दूं आपको। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपका जो सेटअप होगा निफ्टी 50 का, एक जो डायरेक्शन है वो आप समझ पाओगे, डायरेक्शन आप समझ पाओगे। जब ब्रेक कर देगा रेजिस्टेंस को या सपोर्ट्स को, वो ब्रेक कर देगा, आफ्टर डेट जो है आपको जो भी जिस मेथड से भी आप पोजीशन लेते हो, राइट, वो आप ले सकते हो, राइट। एक कंफर्मेशन के बाद, चूंकि हायर हाइज बहुत जरूरी होता है, ये मैं हमेशा ही कहते आता हूँ, ठीक है, तो लेवल्स को ब्रेक करने के बाद, राइट, वो हायर हाइज बनाएगा, कंफर्मेशन देता है, फिर वो वहां से एक कंसोलिडेट करेगा, आफ्टर डेट वो मूव करेगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो 15 मिनट्स चार्ट्स के अकॉर्डिंग आपको क्या मेथड पे अप्लाई करना है, तो ये देखिएगा आपको क्या करना है दोस्तों, कि सबसे पहले आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जब आप फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले जो जरूरी चीज है आपके लिए वो क्या है, तो पहली जो कैंडल होगी, फर्स्ट कैंडल 915 की, 915 की जो कैंडल होगी, राइट, उसका जो हाई प्राइस होगा, हाई प्राइस, राइट, प्लस जो हमारा, राइट, इंपॉर्टेंस नंबर है, राइट, और एक होगा जो उसी कैंडल का लो प्राइस माइनस ये नंबर होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये देखिए लॉजिकल चीज के, लॉजिकल के साथ है, विदाउट लॉजिक नहीं है, राइट। तो मैं एक बार इसको आपको पिछले 10 दिन के चार्ट्स पे जो है साइडवेज, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, सभी कंडीशंस पे मैं आपको लागू करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर्स ओपन कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे 17 पहले से ही पुट कर लेता हूँ प्लस, राइट, आप इसमें 1-2 रुपीज का बफर रख सकते हो, 2-5 रुपीज का, राइट, दो लाइन ड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो 17 जो कि हमारे इंपॉर्टेंट नंबर विथ लेवल्स का कमाल है यहाँ पे, राइट, ये कैसे हमने फाइंड किया वो मैंने तरीका बताया, विद जो लॉजिक इस सीन के पीछे, उसके लिए थोड़ा सा मुझे आपको बहुत लंबा वीडियोस हो जाएगा, इसलिए उसके लिए मैं कभी जो है और दिन पे वीडियोस बना दूंगा, अगर आप हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हो तो। बैंक निफ्टी पे नेक्स्ट वीक पे बात करेंगे 300 लाइक्स कंप्लीट होने पे, ठीक है। तो इसका जो हाई प्राइस है फ्रेंड्स वो है 111.86, राइट। अब चूंकि यहाँ पे 6-5 है तो यहाँ पे 8-7 लेंगे हम, राइट, राउंड फिगर, हमेशा ही राउंड फिगर, राइट, 8-7 आप समझ जाइएगा। यहाँ पे आप देखिएगा इस वाले हाईस के पास, तो 915 की जो पहली कैंडल है उसका जो हाई है 111.86.65, तो 65 इट मींस कि ये जो है हमारे 0.50 से अधिक का है, तो 8-7 लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसको किया फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आ गया 11204, राइट। तो मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ फटाफट से 11204, ठीक है। तो दोस्तों ये 11204 है, मैं एक बार यहाँ पे लोज को देख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे था आपका लो जो है 11145, यहाँ पे 17 माइनस करेंगे 11128, राइट। तो यहाँ पे 11128, ठीक है, 25, और ये रहा आपका 28, ठीक, ये आपका पॉइंट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज समझ जाइएगा कि 11, अब यहां से 11128, राइट, और 20, ठीक है। अब मार्केट इसको ब्रेक करके, इसको ब्रेक करे तो लोअर लो फॉर्मेशन क्रिएट करे, आफ्टर दैट इसमें कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा पहला, दूसरा,
बार बार रिजेक्शन। तीसरा, शाम को इसने ब्रेक किया और जो टाइम है इसमें ब्रेक करने का 15 मिनट्स के चार्ट्स के अकॉर्डिंग वो है 2:15, राइट। और इस सिनेरियो में ब्रेक करने के बाद से एक हायर हाई बना, लेकिन तब तक टाइम हो चुका था। देखिए यहीं पे कंसोलिडेट हो गया, यहाँ पे मतलब यहीं पे एक रिट्रेसमेंट आया, ठीक है। पिछले दिन चलते हैं और यहाँ पे भी एक जो है आपको चेक करा देते हैं कि कैसे जो है ये काम करता है। तो देखिएगा यहाँ पे तो 111.85 मतलब 86, यहाँ पे ध्यान से रखिएगा, देख लीजिए 111.85.70 है, तो 86 प्लस 17 करेंगे 203 फ्रेंड्स। अब 203 पे हमको मार्क करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 203 है दोस्तों, आप देखिएगा यहाँ पे ही इसने सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस को जो सपोर्ट्स में बिल्डअप किया और आफ्टर दैट मूव किया। मैंने आपको यही बताया कि ये आपको एक निफ्टी का डायरेक्शन दिखाएगा कि डायरेक्शन एग्जैक्टली है क्या एक्चुअली इसका, राइट, इसका एग्जैक्टली डायरेक्शन है क्या, ठीक है। अब इसके बाद आप जो भी मेथड हो आपका ट्रेड करने का, राइट, तो देखिएगा इसका जो हाई लगा हुआ है दोस्तों वो है 256 का, ठीक है, 56 पॉइंट्स का यहाँ पे एक मूवमेंट है, राइट। अगर इसी चीज में लो की बात की जाए, राइट, तो 111.45 मतलब 46, राइट, तो 111.46 माइनस 17 करेंगे तो 111.29, एग्जैक्टली 111.29 दोस्तों। ये आप देख सकते हैं ये मार्केट ने कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पे काम किया हुआ है, क्लियर है, ओके। सो अगर मैं आपको कुछ और भी यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है, इस वाले सिनेरियो पे दिखा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा 111.95, राइट, तो यहाँ पे 111.95 प्लस 17, राइट, 11.212, राइट, तो 11.212, तो आप देख लीजिए दोस्तों रिजेक्शन ठीक रेजिस्टेंस के पास है, राइट, एंड सेलिंग पॉइंट जो हो जाएगा इसका 111.38, तो दिस वन इज 38। आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहीं से ये घूम गया, ठीक है, करेक्ट पॉइंट पे आपको जहां पे भी एंट्री, अब देखिए यहाँ पे लोअर लो एकदम क्लियरली बना है क्लैरिटी के साथ, तो यहाँ पे यू नो कि एक मोमेंट है, राइट, आप कहीं पे भी कुछ भी, अब यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है कि अपने को यू नो कि बाइंग और सेलिंग का, तो एक बार फिर भी मैं दिखा देता हूँ 10972 है ना, यस, तो 10972 प्लस 17 10989, ठीक है। अब इसमें एक बार लो देख लेते हैं 10933, क्योंकि ये 6 है ना, तो यहाँ पे 915 हो जाएगा, यस 915, देखिए दोस्तों दिस वन, राइट। अब कहीं पे कुछ भी डाउनसाइड, देखिए मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ आपको, राइट, 11.057 मतलब 58, तो 11.058 प्लस 17 हो गया 11.075, 11.075, तो ये हो गया। अब इसी के लो की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे होगा 10.985, और इसमें से आप 17 माइनस कर दीजिए तो हो गया 10.968, तो ये हो जाएगा 8। आप देखिएगा दोस्तों इसने प्रॉपर वे में, यहाँ पे देखिएगा प्रॉपर वे में ब्रेक डाउन तो किया, लेकिन इसने क्या किया, लोअर लोस तो फॉर्मेशन क्लियर ही नहीं बना, और जैसे ही इसने बनाया वैसे ही ऊपर खींच के ले गया लोअर लो। फिर आप थोड़ा ध्यान से देखिए, तो लोअर लो यहाँ पे क्रिएशन के साथ हुआ, क्लोजिंग बिलो द लाइन है, राइट, और आप चाहे तो यहाँ पे भी और यहाँ से भी देखिए मार्केट, ठीक है। आपका देखिए एंट्री लेने का मेथड आपका खुद का होगा, वो मैं नहीं बता सकता यहाँ पे, राइट, एंट्री लेने का कोई मेथड यहाँ पे नहीं क्लियर कर सकता मैं इस वाले, क्योंकि उसका थोड़ा सा अलग ही प्रोसीजर है। तो मैं केवल अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस धीरे धीरे वन बाय वन हम चीजों को सारे को कवर करेंगे, राइट। अभी मैं इस साइडवेज मार्केट को, मैंने अप ट्रेंड दिखाया, डाउन ट्रेंड दिखाया, अब ये साइडवेज मार्केट को मैं कवर कर रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा 111.395 है, राइट, तो 111.39, तो यहाँ पे मैं 111.39 प्लस 111.56, राइट है, तो ये 111.56,
तो दिस वन इज 5 6 राइट, एंड इसका लो 111050 राइट, तो यहाँ पे 5 1 हो जाएगा, यही हो जाएगा, एक सेकंड मैं क्लियर कर लूँ, यही है ना, नहीं 11051 ये है, ठीक है ना, तो 11051 माइनस 17 11034, ठीक है। अब इसमें 34 मार्क कर लीजिए दोस्तों, चलिए दोस्तों ये 35 है, 34 आ रहा था, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और आप देखिएगा इसमें ये सपोर्ट कहाँ से ले रहा है, ये बहुत बेहतरीन तरीके का काम है फ्रेंड्स। आपको मैं अभी यहाँ पे भी दिखा देता हूँ क्या हो रहा है, 11280281, ठीक है ना, तो 11281+17 यही होगा, ठीक है ना, ये करेक्ट है ना, 11281 ठीक है, तो 11298 ठीक है। अभी यहाँ पे देखिएगा 298 मैंने मार्क कर दिया दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ एग्जैक्टली 297.6 के पास से ये रिवर्सल ले लिया राइट। अगर लोस की बात की जाए फ्रेंड्स तो 248 इट मीन्स 249 राइट, है ना, 249, तो यहाँ पे एक सेकेंड दिस वन 249, तो 11249 माइनस 17 232, 232 और यहाँ पे चलिए मैंने ये मार्क कर दिया राइट। अब आप देख सकते हैं इसको ब्रेक किया, क्लियर कट इसमें आपको क्या होगा, इससे डायरेक्शन पता चलेगा आपको राइट, इससे आपको डायरेक्शन पता चलेगा दोस्तों कि कैसे आपको एग्जैक्टली मार्केट में आप मतलब एक निफ्टी का एक डायरेक्शन आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो बहुत इजीली वे से राइट। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है राइट। हाँ ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है वो किसी लॉजिक पे है राइट, ये किसी थ्योरी पे काम करता है, तो थ्योरी पे काम करता है तो यू नो कि उसके लिए मैं आपको जैसे मैंने बताया आपको कि मैं अलग से वो चीजें बता दूंगा आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है राइट। लेकिन आप इससे जो है हो सकता है कि जो बिगिनर्स हैं दोस्तों, ये ऐसा मेरा मानना है कि बिगिनर्स के लिए बहुत सपोर्ट करेगा, बिगिनर्स के लिए बहुत सपोर्ट करेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि अभी तक जो है यूट्यूब में आपको ऐसा वीडियोस नहीं मिलेगा देखने को, अभी तक तो नहीं मिला होगा ठीक है, एक बिगिनर्स के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये लॉजिक भी आपको पसंद आया होगा राइट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक में राइट, अगर आप जो है हमारा मनोबल बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली मैं बैंक निफ्टी पे न्यू टॉपिक जो होगा हमारा, नया जो टॉपिक अगला होगा नेक्स्ट टॉपिक वो होगा बैंक निफ्टी, और उसमें हम कैसे कैलकुलेशन बेस्ड काम कर सकते हैं, कैसे हम नंबर्स को फाइंड करेंगे, और उस बेस पे आप चाहो तो इससे जो है कैलसी भी बना सकते हो अपना खुद का राइट, और उस पे आप काम कर सकते हो निफ्टी 50 पे कैसे काम कर सकते हैं आप राइट। आप मेथड आपका जो भी होगा ट्रेड लेने का वो मुझे नहीं पता, आपका क्या मेथड होगा लेने का राइट, मेथड यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा, मैं केवल बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे निफ्टी का डायरेक्शन क्या होगा वो आप थोड़ा सा एज्यूम कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे बिगिनर्स राइट, जो इनिशियल जो अभी मार्केट में आए हुए हैं उनको बेचारे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, वो बहुत इजिली वे में वो समझ पाएंगे राइट कि मार्केट, अब चूंकि जब मार्केट किसी लेवल्स को ब्रेक करता है तो स्टॉक में मूवमेंट आती है, जो स्टॉक इसके अकॉर्डिंग काम करते हैं उसमें मूवमेंट आ जाती है ठीक है। तो इससे आप बने रहेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि ये लेवल्स पे था, 2:30 3 बज चुके हैं, तो लेने का कोई मतलब नहीं है ना, आपको ब्रेक कर रहा है ना डाउन को ब्रेक कर रहा है, अगर आपका कोई स्टॉक ऐसा है जो निफ्टी के अकॉर्डिंग चल रहा है तो पर्टिकुलर वे में आप वेट करो राइट। तो होप सो कि आज का वीडियो ये अच्छा लगा होगा राइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट।